लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। संसदीय स्टैंडिंग कमेटी अर्बन डेवलपमेंट के सदस्य जगदम्बिका पाल उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान मकर संक्रांति पर्व पर पाल ने बाबा महाकाल के दरबार में मत्था टेक कर देश की समृद्धि की कामनाएं की। इंदौर में चलने वाली मेट्रो सहित अमृत मिशन और स्वच्छ भारत स्मार्ट सिटी योजना में 100 शहरों में हो रहे कार्यों का जायजा लेने संसदीय दल इंदौर पहुंचा, जहां से वो उज्जैन के लिए रवाना हुए। इस दौरान संसदीय स्टैंडिंग कमेटी अर्बन डेवलपमेंट के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि उज्जैन के लिए सरकार कुंभ में पैसा देती ही है और अगर लगेगा तो भी सरकार जरूर पैसा देगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इंदौर में दौरे के साथ ही बैठक कर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। उज्जैन से प्रदीप मालवीय की रिपोर्ट। भारत की लोकसभा के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट जो देश के 100 स्मार्ट शहर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने तय किया, जिसमें इंदौर भी है, और ये महाकाल की कृपा है कि आज वो पार्लियामेंट्री कमेटी मकर संक्रांति के दिन इस महाकाल के भस्म आरती की अवसर पर सबको दर्शन करने का मौका मिला। मुझे लगता महाकाल में आने के बाद जो एक अनुभूत होती है उस अनुभूत का वर्णन नहीं किया जा सकता है, और लगता है कि पूरी सृष्टि इस महाकाल से संचालित हो रही है और लोग अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, और ये महाकाल की ही कृपा है कि जो भारत के लोगों के मन में जिस तरीके से भोलेनाथ और शंकर की और महाकाल की उनके स्नेह और आशीर्वाद से देश में लोगों में एक सांप्रदायिक सद्भाव, लोगों में एक समरसता है, वो एक कृपा है। और दिन ब दिन पूरे देश नहीं दुनिया से लोग महाकाल के इस दरबार में आने के लिए उनका बुलावा होता है, लोग आते हैं, उपस्थित होते हैं। आज हम लोगों की कमेटी इंदौर के उस स्मार्ट शहर के प्रोजेक्ट्स के जो जिस तरीके से हैं, जिसमें चाहे अमृत योजना हो, स्वच्छ भारत हो, या आगे इंदौर में मेट्रो की बात है, तो निश्चित तौर से उसको उन स्पॉट्स की स्टडी करेगा और उसके बाद मीटिंग भी करेगा। और आज इंदौर के साथ ये आज महाकाल उज्जैन का अपने आप में इनकी कृपा ये है कि आज इसका इस महाकाल की महिमा पूरी दुनिया में हो गई। बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ, एक देश सारे प्रदेश।